कैंसर की बीमारी का यदि कोई इलाज है तो केवल हल्दी, एक चम्मच सवेरे हल्दी खाओ, एक चम्मच शाम को कच्ची हल्दी खा के पानी पियो, और दिन में 4 बार गौमूत्र ग्रहण कीजिए तो भी कैंसर जैसी बीमारी को भी गौमूत्र ठीक करता है। अच्छा, यीशु कुल की स्थापना की। ये यीशु कुल क्या है? यीशु, यीशु, यीशु मतलब ईसा मसीह। आज भी यही यीशु कुल बाद में स्कूल बन गए। कब हो गया ये? कब हुआ, कब? आपके चरणों में अरबों खरबों बार कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। बस मेरे पति गुटका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मेरे बेटी को आप समझाना गुरु जी, वो बहुत जिद्दी है गुरु जी। मैं बहुत बेकार इंसान हूं जी, अपने माँ। कितने बच्चे हैं कुल? हमारे 24 बच्चे हैं। क्या? तेल जलाने से प्रकृति को क्या फायदा है? कोई फायदा ना? कुछ भी फायदा नहीं है। परंतु घी, गाय का, देसी गाय का एक तोला घी जलने से 1 टन ऑक्सीजन प्रकट होती है। गौमूत्र पीने से अर्थराइटिस अच्छा होता है, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, ESR बढ़ावा, ESO बढ़ावा, आर इफेक्ट बढ़ावा, जितने भी यूरिक एसिड बढ़ावा, जितने भी गंदगी शरीर में बढ़ी हुई पूरी की पूरी क्लीन हो जाती है। तो दोस्तों, फिर से आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक नया वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे भोंदू बाबाओं के बारे में जिनकी बातें दिमाग के ऊपर से निकल जाती है और कुछ समझ में नहीं आता, और इन बाबाओं के ऐसे ऐसे कारनामे हैं जिसने देखकर आप भी हंसी के मारे लोटपोट हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आएंगी। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और शराब भी पीते हो? शराब कभी कदार 6 महीने में कहीं एक बार में छुट्टी करते, बोलते चलो यार 100 ग्राम हो जाए। मैं कहा चलो। अरे वाह, 100 ग्राम हो जाए, इससे क्या हो जाता 100 ग्राम से? 1000-2000 उड़ा देता रहता हूँ, ये बात नहीं, लंगल लंगल लगाते रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप शराब पीते हो? नहीं, मैं तो महाराज जी इसलिए नहीं पीता क्योंकि मैंने शराब से और गांजे दारू से मैंने बहुतों के घर उजड़ते हुए देखा है। उनमें एक आपके पिताजी भी। यीशु कुल की स्थापना की। ये यीशु कुल क्या है? यीशु, यीशु, यीशु मतलब ईसा मसीह। आज भी यही यीशु कुल बाद में स्कूल बन गए। कब हो गया ये? आपके चरणों में अरबों खरबों बार कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। बस मेरे पति गुटका नहीं छोड़ रहे। तो रहन दो फिर। गुटका कभी कभी खाते हो कि रोज? रोज ही खाते हो। आप कह रहे हो कभी कभी खाते हो, अभी खाए हो? नहीं, अभी नहीं खा रहे। क्या, कौन सा वाला गुटका खाते हो? रजनीगंधा। क्या गंध होती है उसकी? क्या होती रजनीगंधा? कौन सी गंध है, कैसी गंध है उसकी? रजनी की। रजनी पड़ोसन है आपकी क्या? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। मेरे बेटी को आप समझाना गुरु जी, वो बहुत जिद्दी है गुरु जी। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी, अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ गुरु जी। इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरु जी। आपको मारती है? हाँ गुरु जी, मैंने 10 बार मार चुकी है गुरु जी। ऐसा मत करो मेरी जान। कितने बच्चे हैं कुल? हमारे 24 बच्चे हैं। कितने लड़के हैं उसमें और कितनी लड़कियां हैं? हमारे 8 बेटियां हैं, 16 बेटे हैं। क्या क्या नाम है उनके? जी एक नंबर दो नंबर करके बुलाते हैं, और बाकी उनका नाम अलग है। अच्छा, क्या नाम आपने बताया अभी? एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर। और उन लोगों का यही नाम आपने घर में रख दिया और यही बोलती हैं? तो आप क्या करें, वैसे ही बुलाना पड़ता है, भूल जाते हैं ना। नाम उनका आप मतलब याद नहीं रह पाता? नहीं नहीं, नाम याद रहता है लेकिन गांव में लोग कैसे बुलाते हैं। अच्छा जी, वैसे ही नाम लेके हम बुलाते हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तेल जलाने से प्रकृति को क्या फायदा है? कोई फायदा ना? कुछ भी फायदा नहीं है। परंतु घी, गाय का, देसी गाय का एक तोला घी जलने से 1 टन ऑक्सीजन प्रकट होती है, इसलिए हवन सामग्री में शुद्ध घी का उपयोग होता है। कैंसर की बीमारी का यदि कोई इलाज है तो केवल हल्दी, एक चम्मच सवेरे हल्दी खाओ, एक चम्मच शाम को कच्ची हल्दी खा के पानी पियो, और दिन में 4 बार गौमूत्र ग्रहण कीजिए तो भी कैंसर जैसी बीमारी को भी गौमूत्र ठीक करता है। झूठ है, झूठ। गौमूत्र पीने से अर्थराइटिस अच्छा होता है, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, ESR बढ़ावा, ESO बढ़ावा, आर इफेक्ट बढ़ावा, जितने भी यूरिक एसिड बढ़ावा, जितने भी गंदगी शरीर में बढ़ी हुई पूरी की पूरी क्लीन हो जाती। क्या हुई? अभी पता चलेगा। गौमूत्र से जुड़ी एक ताजा स्टडी ने इसके सेवन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। देश के प्रतिष्ठित संस्थान IVRI यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली के वैज्ञानिकों ने अपने ताजा शोध में दावा किया है कि गोमूत्र का सेवन इंसानों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस स्टडी में दावा किया गया है कि गोमूत्र में हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। धिक्कार है।
थू है ऐसे हिंदुओं पर, जो एक तरफ तो गाय को मां भी कहते हैं और दूसरी तरफ उनको काटने वालों को वोट भी देते हैं और आनंद से रहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भगवान नारायण से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए हैं। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। शिव के पिता मंगल हैं। शिव के पिता हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। शंकर आज जन्मा, जन्म नहीं लेता। और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा है। शिव को स्वयं भू के रूप में जाना जाता है, उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। जीव का पिता कौन है? भगवान शिव है। श्री कृष्ण हमारे पति हैं, बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती हमारे माता पिता हैं। शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है, महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं है। शिवरात्रि का जो महाफेस्टिवल है ये इससे मनाया जाता है क्योंकि शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है। कुछ लोग कहते हैं शायद इससे शिव जी का जन्म हुआ होगा। तो दोस्तों, इन ढोंगी बाबाओं के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो केवल और केवल एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, ना कि किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए। तो कृपया इसे दिल पे